सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं फिर से रिव्यू करूँगी ममा अर्थ की। इसकी मैंने ऑलरेडी रिव्यू डाल चुकी हूँ मैं बहुत पहले, क्योंकि मैं इसके बारे में इतनी श्योर नहीं थी इस क्रीम के बारे में, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यूज़ की थी और मेरे को यूज़ किया हुआ आई थिंक दैट टाइम जब मैंने पोस्ट करा था तो 7 डेज हुए होंगे, 7 डेज अबव। बट अब मेरी ये 4 मंथ से ज़्यादा हो गई है यूज़ किए हुए, एंड 4th बॉटल मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दी है। ये न्यू परचेज मैंने करा है और ये मेरी ओल्ड वन है जो आधी खत्म हो गई है, ये अब खत्म होने वाली है। सो मैं बता दूं कि ये जो बाय बाय ब्लेमिसेस फेस क्रीम है इसका मैं फैक्ट बताऊंगी, और इसमें प्रेजेंट है मुलबेरी एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी। और ये आपके फेस पे कैसे काम करता है, कितना टाइम लगेगा आपके फेस को क्लियर होने में, और कोई साइड इफेक्ट्स है कि नहीं, सो मेरे वीडियो को पूरे एंड तक देखना, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर देना। सो पहले मैं बता दूँ कि ममा अर्थ जो है, जो मुलबेरी होता है ना, वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि स्किन में कब क्या आ जाए मीन्स लाइक आप लोग को बहुत किसी को अगर वो सामने से अगर चेक करे अपना स्किन को तो वो देखते हैं कि लाइक ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं उनके फेस पे, वो उनका स्किन क्लियर होता है, कोई एक्ने पिंपल्स नहीं होते। बट अगर वो जूम करके अपना स्किन को देखोगे ना तो वो जो ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स रह जाते हैं ना, वो बहुत ही भद्दा सा लगता है आपके स्किन पे। बट ये ओनली वो भी क्लियर नहीं करता, जो लाफिंग लाइंस हो जाते हैं हमारे, जो बहुत लोगों के एजिंग की वजह से या फिर जो 18 प्लस के हैं उनको भी लाफिंग लाइंस की प्रॉब्लम हो जाती है, और उस जगह पे ब्राउन ब्राउन जो है लाइंस आ जाते हैं, ये उसको भी ख़त्म कर देता है। क्योंकि मुझे ये बिलीव नहीं था कि ये ठीक कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि इसमें से ब्लेमिसेस लिखा हुआ है और ये ब्लेमिसेस मुझे लगा था कि मेरा तो स्किन ब्लेमिसेस नहीं है, बट जब मैंने अपने स्किन को क्लोजर से देखा था तो मुझे बहुत सारा पिगमेंटेशन और हल्का हल्का सा ब्राउन स्पॉट्स भी दिखा था, बट उतना क्लियर नहीं था मेरा स्किन। बट इसको यूज़ करने के बाद पहले से काफ़ी हद तक मुझे ठीक लगा है, और जबकि मैं इसे 3 टाइम्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि इस पर बहुत लोग इस पर कमेंट कर चुके हैं कि इसे मॉर्निंग और नाइट पे यूज़ करना चाहिए, बट नहीं, मैं इसे 3 टाइम्स यूज़ करती हूँ। और कोई श्योर नहीं है कि आप ममा अर्थ की क्रीम लगा रहे हो तो ममा अर्थ का ही फेस वॉश यूज़ करना है, क्योंकि एक टर्मरिक वाली फेस वॉश इसकी आती है, वो भी अच्छी है, बट मुझे वो सूट नहीं किया। तो मैं प्रीवियस वीडियो में जैसे बता चुकी हूँ कि मैं ममा अर्थ के इस क्रीम के साथ मैं ओरिफ्लेम की फेस वॉश जो है यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे एक्ने पिम्पल्स पहले बहुत होते थे एंड अभी भी होते हैं, बट जो मार्क्स थे ना, जो अगर मैं क्लोज से अपना फेस देखती थी तो दाने दाने ब्राउन स्पॉट्स के साथ साथ पिंपल्स के भी बहुत सारे मार्क्स थे जो नहीं जाते थे। बट इससे मैं 4 मंथ से कंटिन्यूसली यूज़ कर रही हूँ तो मेरे मार्क्स कम्प्लीटली चले गए हैं। अब जो न्यू अगर आपको पिंपल्स एक्ने हो जाते हैं तो उनके मार्क्स तो रहेंगे ऑब्वियसली, बट इसे आपको स्किप नहीं करना है, कंटिन्यूसली इसे लगाना है, और ये अनइवन स्किन टोन को भी इवन कर देता है। इसमें लिखा हुआ है, ऑलरेडी मेंशन है, और इसमें मिनरल ऑयल प्रेजेंट है एंड दिस इज़ पैराबिन फ्री, इसमें कोई पैराबिन नहीं है, और ये सभी स्किन के लिए सुइटेबल है। जैसे कि मेरा ऑयली स्किन नहीं है, कॉम्बिनेशन स्किन है, बट ये ड्राई स्किन वालों के लिए मे बी प्रॉब्लम हो सकता है, बट वो कम क्वांटिटी में यूज़ करें, क्योंकि जिनका अनइवन स्किन है उसको इवन करने के लिए ये यूज़ करना ही होगा, क्योंकि ये इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। मैं आज 4 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, मुझे नहीं लगा कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स होंगे। और अगर आपके नेक एरिया में भी अगर अनइवन आपको कहीं भी नजर आता है तो ये नेक एरिया में भी आप यूज कर सकते हो, इसे बस थोड़ा सा यूज करना है आफ्टर फेस वॉश। और मैं तो मॉर्निंग इवनिंग एंड नाइट में यूज करती हूँ। अगर आप ज्यादा पोल्यूटेड एरिया में रहते हो, पोल्यूशन के कारण बहुत आपके फेस पे फेस अनइवन हो जाता है, तो आप थोड़ा सा ज्यादा यूज कर सकते हो इसको, लगाकर अप्रॉक्स 30 मिनट तक इसको फेस पे छोड़ देना, फिर इसको अच्छे से मसाज करना है, और अंडर आई में भी आप अंडर आई में आप अगर किसी को डार्क सर्कल हो गए हैं तो वहाँ पर भी आप इसको अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। और
मुझे इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले, तो मैंने इसका फिर से रिव्यू किया, क्योंकि पहले भी इसकी रिव्यू मैं कर चुकी हूँ। सो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।